सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विवेक शर्मा है। तो मैं कृषि विज्ञान केंद्र श्री मुक्तसर साहब एज असिस्टेंट प्रोफेसर एनिमल साइंस दियाँ जी सेवावान वा वो निभा रहा वा। अज आप गल करा कि एल एस डी या लंपी स्किन डिजीज़ जी पंजाब दे विच इस वेले काफ़ी गावं जिदे नाल प्रभावित हो रही हैं या हो गई हैं। एक अफवाह फैली हुई है मतलब पंजाब सूबे दे विच कि इस जिहड़ी बीमारी नाल प्रभावित पशु है उहदे दुध नूं कंज्यूम करन नाल इंसानां विच बीमारी आउंदी है या नहीं आउंदी है, उहदे बारे गल करांगे। देखो होया कि आपां अगर एनालाइज कीता कि सोशल मीडिया ते कि कुछ शरारती जिहड़े आंसर है उहनां ने कुछ फोटोआं लंपी स्किन वालिया इफेक्टेड जिहड़ी प्रभावित गां ही उहदी चक्कियां, कुछ क फोटो उन्होंने कोई किसी इंसान की चक्कियां जिन्हों कोई चमड़ी का रोग सीगा जिते फिंसियां फोड़े सीगियां, उन्होंने दो फोटो ने इकट्ठे किया थले कैप्शन पाया कि ये लंपी स्किन का जिहड़ा है दुध पीन नाल जिहड़ा वा ये इंसानां नूं रोग हो गया है। तो इसकी सच्चाई बिल्कुल नहीं हैगी है। इहदा प्रमाण अगर आप कहीए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है FAO जिन्हों आप फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहने हैं, वो अपने लिटरेचर च एल एस डी का उन्होंने लिटरेचर है वो अपने लिटरेचर च कहते हैं कि एल एस डी डज नॉट इफेक्ट ह्यूमनस। इहदा भाव यह है कि एल एस डी या लंपी स्किन वाली जिहड़ी गां जिहड़ी प्रभावित है उहदा दुध पीण नाल इंसानां नूं कोई रोग नहीं हुंदा। दूजी जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो साडी पंजाब दी गुरु अंगद देव वैटनरी एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी लुधियाना है जिहड़ी टाइम ते टाइम सानू एडवाइजरीज दे रही है वा कि जिहड़ा अगर आपां एल एस डी नाल प्रभावित जिहड़ा पशु है उहदा जिहड़ा दुध है उहनू आपां चंगी तरह उबाल के अगर पीने हैं तो सानू कुछ नहीं मतलब हो सकता। तो मैं आम जनता भी अपील करांगा कि बेझिझक हो के जिहड़ा ये गां मज का दुध जिहड़ा वा चंगी तरह उबाल के कंज्यूम करते हो तो तुहानू कोई भी जिहड़ा ये रोग नहीं हो सकता।